हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज, क्लास 10th की ज्योग्राफी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, पेपर से पहले मैं कोशिश करूँगा कुछ कंबाइंड वीडियो भी डालूंगा आपको, 100-200 क्वेश्चन जो है वो कंबाइंड करके डालूंगा, तो छुट्टी वाले दिन आपको प्रोबेबली मिल जाएंगे। मैप मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ध्यान रखना मैप मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। क्लास 10th और 12th के लिए कॉमन मैप है, प्ले लिस्ट में जाके मैप की प्ले लिस्ट देखें, मैप प्रैक्टिस, वहाँ पर मैंने रिसेंटली वीडियो डाले हैं, तो 1, 2, 3 जो हैं उनको आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो कोशिश करूँगा मैं अलग से क्लास 10th के लिए भी एक अलग से मैप का वीडियो बना दूँगा आपको, ठीक है। शुरुआत करते हैं, विच सॉइल इज नॉन एज रेगुर सॉइल, तो रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है ब्लैक सॉइल को। द ओशियन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स इज क्लासिफाइड अंडर विच जोन, तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल्स से आगे का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। किस सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है, तो वो है ब्लैक सॉइल। लेटराइट का मतलब क्या है, देखो जो लेटराइट जो है ये एक लेटिन वर्ड लेटर से आया है और जिसका मतलब होता है ब्रिक, ठीक है। कहाँ कहाँ पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है, कर्नाटक केरल तमिलनाडु वाले रीजन में, स्पेशली आपका जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में स्पेशली जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, यहाँ पर सॉइल जो पाई जाती है उसको हम बोलते हैं लेटराइट सॉइल। सॉइल को कंजर्व करने के कुछ तरीके बताइए, तो तरीके ये हैं, एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। हिली एरिया जो है वहाँ पे हम कंटूर फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं, एनिमल ग्रेजिंग को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और कई जगह पर हम डैम्स बना सकते हैं, ऐसे करके हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई फेलोलैंड, फेलोलैंड क्या होती है, ऐसी लैंड जिसको एक साल या एक साल से कम समय के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए। ये मान लो मेरी कोई ज़मीन है, एक साल तक अगर मैं इस पर खेती नहीं कर रहा हूँ या एक साल से कम समय के लिए खेती नहीं कर रहा हूँ, तो इसको हम बोलेंगे फेलोलैंड। और कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब क्या है, अगर इसी ज़मीन को मान लो मैं पाँच साल से ज़्यादा तक मैं खेती नहीं करता हूँ, अनकल्टिवेटेड छोड़ देता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे कल्चरेबल वेस्टलैंड। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, लाइफ स्टॉक, फ्लोरा फौना, फिशरीज। अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स के अलावा नॉन लिविंग थिंग्स से मिलने वाले रिसोर्सेज, अबायोटिक रॉक्स, मेटल्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, इनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ। फ्लो और कंटिन्यूस रिसोर्सेज कौन से होते हैं, तो इसमें वाटर, विंड आ जाएगा। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आ जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उल्टा है रिन्यूएबल का, कि जो लिमिटेड होते हैं, एग्जॉस्टिबल होते हैं, फ्यूचर में ख़त्म हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, जो पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल मिनरल्स, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स। इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल तो किसी व्यक्ति विशेष के होते हैं, जैसे प्लांटेशन, पास्चर लैंड, फार्म लैंड, वाटर, वाटर एंड वेल और पौंड, ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिस पर सभी कम्युनिटी के सभी लोगों का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, एग्जाम्पल ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड मतलब जहाँ पर दफनाया जाता है ना, पौंड्स। रिसोर्सेज को क्लासीफाई कीजिए बेस्ड ऑन देयर ओरिजन, ओरिजन के आधार पर रिसोर्सेज बायोटेक और अबायोटेक। प्लांट और एनिमल से निकलते हैं तो बायोटेक, प्लांट एनिमल के अलावा अबायोटिक रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ पर प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल किया जाता है बिना फ्यूचर की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए, और इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचाया जाता है। ये किसने कहा था, देर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी इज ग्रीड, हर व्यक्ति के लिए बहुत कुछ है मगर ग्रीड के लिए कुछ भी नहीं है भाई, है ना। तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप ऑफ कैश्यूनट, कैश्यूनट उगाने के लिए सबसे बेस्ट क्रॉप कौन सी है, तो वो है रेड लेटराइट सॉइल। सॉइल इरोजन का, इरोजन का मतलब क्या है, देखो सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर का हट जाना उसको हम बोलते हैं डिन्यूडेशन, तो डिन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड इट सबसिक्वेंट वॉशिंग डाउन इट इज डिस्क्राइब्ड है सॉइल इरोजन। तो सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है उसका क्या करते हैं, हट जाना ही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। लीचिंग, तो देखो लीचिंग क्या एक प्रोसेस है जहाँ पर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैवी रेनफॉल की वजह से मतलब चले जाते हैं, है ना, बह के चले जाते हैं। जैसे मान लो इस जगह पर बहुत सारी सॉइल है और यहाँ पर बरसात हुई, बरसात की वजह से इस सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहकर चले जाएंगे, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं लीचिंग। और लीचिंग की वजह से जो सॉइल डेवलप होती है वो है लेटराइट सॉइल। तो आपको पता होगा जो वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है इंडिया का, वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आपको पता बहुत हैवी रेनफॉल होती है इस वाले रीजन में, हैवी रेनफॉल होने की वजह से इसमें से सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स जो है बहकर चले जाते हैं, तो जो सॉइल बचती है उसको हम बोलते हैं लेटराइट सॉइल। अर्थ समिट कब हुई थी, जून 1992 में।
फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने लिखी है किताब? तो ये सुमाकर ने 1974 में लिखी थी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।